हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हथेली में पाए जाने वाले एक बहुत ही शुभ निशान एम के बारे में। एम का निशान अगर हमारे हथेली में हो तो हमें किसी और रेखा की जरूरत ही नहीं है। हमारे ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। वह निशान अगर एक भाग्य रेखा जिसे फेट लाइन कहते हैं, ये केतु पर्वत से सीधे शनि पर्वत पे जाए तो ये ऐसे एम का निशान बनता है। ये बिल्कुल निर्दोष हो, कटी वटी नहीं हो तो व्यक्ति को कोई और रेखा की जरूरत नहीं है। उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और उस पर हमेशा महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ये रेखा हो सकती है यहाँ से कट होके यहाँ से ऊपर चली जाए तो व्यक्ति के जिंदगी में या बिजनेस में कुछ बदलाव होगा और वो अच्छा बदलाव होगा। और ये रेखा यहाँ से भी आके चंद्र पर्वत से जाके भी इसमें जा सकती है तो भी ये एम का निशान बनेगा। तो ये व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ है। यदि किसी और अच्छे उसमें निशान नहीं हो तो भी व्यक्ति की जिंदगी में कभी धन का अभाव नहीं होगा और व्यक्ति निरंतर प्रगति करता रहेगा। और इसमें एक रेखा यहां से फिर अगर बुध पर्वत पे जाए तो ये ट्रायंगल बनता है और ये व्यक्ति की धन की तिजोरी है। अगर ये व्यक्ति के हाथ में हो तो व्यक्ति को बिजनेस में ऊंचाइयां मिलेगी और व्यक्ति के पास धन का कभी भी अभाव नहीं रहेगा और व्यक्ति निरंतर प्रगति करता रहेगा। अगर ये बीच में कहीं भी त्रिभुज है, कटा हुआ नहीं हो, यानी निर्दोष होना चाहिए। मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें। अगर आपके हाथ में भी ऐसा कोई शुभ निशान है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये भाग्य रेखा इसे कहते हैं, फेट लाइन कहते हैं और शनि रेखा भी कहते हैं। ये भाग्य रेखा एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति के एक भी होती है, किसी व्यक्ति के दो या तीन भी हो सकती है। तो उसका अलग अलग जिस पर्वत से वो निकलती है उसका मिला जुला असर व्यक्ति की जिंदगी में पड़ेगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।